साथियों नमस्कार, वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आपको पता ही है कि डेली हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की नई नई हर एक प्रकार की वीडियोस को लेकर आते ही रहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर मैक्सटॉल XP करके जो इंजेक्शन आता है उसके रिगार्डिंग आप कम्प्लीट वीडियो बनाइए कि आखिर कब उस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, किस रूट से लगाते हैं, प्रेग्नेंट पशु को लगाना चाहिए या फिर नहीं, किस पशु में इसकी क्या डोज रेट रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग एक एक जानकारी आप हमें बताइए। तो आज गाइस इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको क्या करना है कि नीचे जितने भी हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है तो सभी पर आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं मैक्सटॉल XP इंजेक्शन के बारे में, जिसमें कि साल्ट होता है टॉलफिनामिक एसिड, ठीक है जी, और इंटास कंपनी का ये जो इंजेक्शन है ये आपको देखने को मिलता है। टॉलफिनामिक एसिड और बहुत सारी कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं आपको नॉर्मल बात से बताऊँ तो फील्ड में जब इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है या फिर जो सिंपल मैक्सटॉल करके भी इंजेक्शन आता है तो फील्ड में इनका जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, तो इसका यूज़ गाय, भैंस, छोटे काफ हो गए, उसके बाद डॉग्स हैं, कैट हैं, पिग, शीप और गोट, इन सभी एनिमल्स के अंदर किया जाता है। इसका जो मेन काम होता है ये एक पेन किलर इंजेक्शन के तौर पर काम करता है। जितने भी पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, यानी कि पशु के शरीर पर किसी भी हिस्से में कहीं दर्द हो रहा है या स्वेलिंग के कारण दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में इसी के साथ ही पशु में श्वसन तंत्र यानी कि पशु के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टिस लाइक पशु के श्वसन तंत्र में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में, या पशु के यूरोजेनाइटल ट्रैक यानी कि पशु में जो मूत्राशय तंत्र होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में, उसी के साथ ही अगर पशु में कहीं थनों में किसी भी प्रकार के जैसे मैस्टाइटिस हो जाता है, पशु के अडर में स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है या मेमरी ग्लैंड में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में भी मैक्सटॉल XP इंजेक्शन का जो यूज़ है वो किया जाता है। इसी के साथ ही पशु में मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर यानी कि पशु में क्या है कि आपका जो पशु है वो बहुत ही ज़्यादा कई बार क्या होता है कि लंगड़ा कर चलता है या कई बार बैठ जाता है तो खड़ा होने में दिक्कत करता है, तो अगर पशु में इस तरह की कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो सहायक औषधि के तौर पर और दर्द को दूर करने के लिए मैक्सटॉल XP का जो यूज़ है वो हमें देखने को मिलता है। और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन भी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो इंजेक्शन है ये मैक्सटॉल XP 20 ml इंजेक्शन में भी आता है और मैक्सटॉल XP 100 ml में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें टॉलफिनामिक एसिड की तो 80 mg इसमें ये देखने को मिलता है। वायल की बात करें तो मैक्सटॉल XP इंजेक्शन की जो वायल है वह आपको 20 ml और 100 ml में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो इंजेक्शन होता है ये सिर्फ वेटनरी एनिमल में ही इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ह्यूमन में इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। और साल्ट का आपको याद रखना है, टॉलफिनामिक एसिड इसमें साल्ट होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसको आप पशु में अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो नज़दीकी के मेडिकल स्टोर में और हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में जो वेटनरी के रिगार्डिंग होती है वहाँ पर मिल जाएगा, और ऑनलाइन इंडिया मार्ट पर आप इसे देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि क्या यह इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु में लगाया जा सकता है या फिर नहीं, तो गाइज ये जो इंजेक्शन है ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है। प्रेग्नेंट पशु में इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो किया जा सकता है, हालांकि डोज रेट का आपको ध्यान रखना है,
जो कि आगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यह जो वीडियो है यह सिर्फ वेटनरी वालों के लिए है, अदर किसान भाइयों के लिए नहीं है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि वीडियो को देखा और इंजेक्शन को यूज़ में आप ला रहे हैं। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है पशु में, किसी भी तरह की कंडीशन होती है, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि पशु में मैक्सटॉल XP जो इंजेक्शन होता है उसको किस रूट से हम लगा सकते हैं। तो इसको आप दो तरह से पशु में लगा सकते हैं, एक इंट्रामस्कुलर रूट से लगा सकते हैं और एक इंट्रावेनस रूट से लगा सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हो, चाहे IM लगाओ चाहे IV लगाओ। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, IV यानी कि इंट्रावेनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो मैक्सटॉल XP इंजेक्शन है किस पशु में इसकी क्या डोज रेट हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्स के रिगार्डिंग, यानी कि घोड़े में मैक्सटॉल XP इंजेक्शन की क्या डोज रहेगी। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि घोड़े में ये जो मैक्सटॉल XP इंजेक्शन होता है इसको सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है, 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। ध्यान से सुनिएगा, 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से घोड़े में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और सिंगल डोज, यानी कि सिंगल डोज में ही घोड़े में इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो करना होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पिग के बारे में। तो पिग में भी ये जो इंजेक्शन होता है इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है, 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है, और वह भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज। इसके बाद हम बात करते हैं गाय और भैंस में। तो गाय और भैंस में इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से आप लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं, 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। गाय और भैंस में 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है एज अ सिंगल डोज। और अगर आपने इसको रिपीट करना है तो गाय और भैंस में मैक्सटॉल XP इंजेक्शन को 48 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट किया जा सकता है 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है जी, पहली जो आपने डोज लगानी है पशु में वो लगानी है 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, और दोबारा जब आप 48 घंटे के बाद इसको रिपीट करोगे तब आपने गाय भैंस में डोज लगानी है 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस। तो यह इम्पॉर्टेंट जानकारी है मैक्सटॉल XP इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको अदर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।